कि मार्च 2020 में 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन भारत में होगा। इस कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि बहुत पूछा गया है कि कौन से तथ्य सही नहीं है, और पहला स्टेटमेंट है कि इसका आयोजन मार्च के पहले सप्ताह में नई दिल्ली में किया जाएगा। तो सही है, ये मार्च के पहले सप्ताह में 2 से 8 मार्च के बीच में नई दिल्ली में होगा, और इसका मुख्य विषय जो रहा है वो रहा है कि भू विज्ञान समावेशी भविष्य के लिए मूलभूत विज्ञान, तो इसकी थीम रही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट जो है कि इस आयोजन की मुख्य जो नोडल एजेंसी है वो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, तो ये भी सही है। वहीं पर चौथा स्टेटमेंट जो है कि भारत एकमात्र एशियाई देश है जहां तीसरी बार इसका आयोजन हो रहा है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसका आयोजन तीसरी बार नहीं हो रहा है, इसका आयोजन भारत में जो है वो दूसरी बार हो रहा है। तीसरी बार नहीं हो रहा है, इसका आयोजन भारत में जो है वो दूसरी बार हो रहा है, और पहली बार जो इसका आयोजन हुआ था वो हुआ था 1964 में, जो है इसका भारत में पहली बार आयोजन किया गया था 1964 में। और इसी के साथ में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक कांग्रेस के बारे में कुछ और चीज़ें भी जान लेते हैं। जैसे इसे जो है भू विज्ञान का ओलंपिक कहते हैं। किसे? अंतर्राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक कांग्रेस को जो है भू विज्ञान का जो है वो ओलंपिक कहते हैं, और इसका आयोजन जो है वो प्रत्येक वर्ष जो है वो प्रत्येक वर्ष में नहीं होता है, प्रति 4 वर्ष में इसका आयोजन होता है। प्रति 4 वर्ष में जो है अंतर्राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन होता है। और इसमें होता क्या है, देखिए इसमें होता दरअसल यह है कि खान और खनिज के क्षेत्र से संबंधित जितनी भी कंपनियों ने अपनी टेक्नोलॉजी को इजाद किया है, तैयार किया है, उसको प्रदर्शित करती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप समझना चाहें, जैसे वर्तमान में जो है लखनऊ में डिफेंस एक्सपो हुआ, तो वहां पर जितने भी जो है वो रक्षा उपकरण वगैरह बनाए गए थे, तो वहां पर जो है उनको जो है वो दर्शाया गया, दिखाया गया। बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंटरनेशनल स्तर की जो है वो क्या कहते हैं कंपनियां थी, उन सब ने वहां उसको दिखाया। तो ऐसे ही यहां पर जितनी भी खनिज और क्या कहते हैं खान के क्षेत्र से संबंधित प्रौद्योगिकी होती है, यहां पर उनका प्रदर्शन होता है। और उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट सवाल देते हैं कि 13 दिसंबर 2019 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने किस विश्वविद्यालय में स्थापित राज्य के पहले वर्चुअल यानी कि आभासी पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है। तो ये आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय है जो कि विशाखापत्तनम में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जरूर पूछा जाएगा ये सवाल। देखते हैं कि 18 दिसंबर 2019 को किस राज्य में IM शक्ति यानी कि इंदिरा महिला शक्ति योजना का शुभारंभ किया गया है। तो इंदिरा महिला शक्ति योजना का शुभारंभ करने वाला जो राज्य है उसका नाम है आंध्र प्रदेश। ये भी सवाल महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं कि 10 दिसंबर 2019 को राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जिनका नाम है साली मोहम्मद ने कहाँ मरुगंधा परियोजना का शुभारंभ किया है। बहुत महत्वपूर्ण है मरुगंधा परियोजना। मरुगंधा परियोजना ये पोखरण में शुरू की गई है, और मरुगंधा परियोजना से संबंधित कुछ और तथ्य देखते हैं। देख लेते हैं कि मरुगंधा परियोजना जो है HDFC बैंक और उर्मूल ट्रस्ट बीकानेर के सहयोग से शुरू की गई है। तो हो सकता हो ये भी पूछ लिया जाए कि नीचे अगर स्टेटमेंट बना करके दिया जाए और कूट दे दिया जाए कि इनमें से कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, तो ये योजनाओं से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट है कि 27 नवंबर 2019 को किस राज्य में आदिवासी विकास खंडों में मुख्यमंत्री सुसेण चिकित्सा प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय किया गया है। तो ये जो है मध्य प्रदेश है, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो ट्राइबल है जो आदिवासी हैं वो ज़्यादा हैं, किसी और राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पर जो है ये मुख्यमंत्री सुसेण चिकित्सा प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, और आदिवासी विकास खंडों के लिए शुरू की गई है। शुरू करने वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। और अगली न्यूज़ खेल जगत को लेकर के है, जिसमें है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन 13 से 29 जनवरी के मध्य किस देश में किया जाएगा। तो ये होने वाला है भारत में होगा। और यदि यहाँ पर एक सवाल ये भी बन सकता है कि क्या कहते हैं कि पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत में कब होगा, तो ये 2023 में होगा। ठीक है, तो 13 से 29 जनवरी के मध्य में 2023 में भारत में होने वाला है। और भारत में कहाँ पर होगा, तो ये भुवनेश्वर और राउरकेला में होगा। और देख सकते हैं कि भारत लगातार दूसरी बार जो है पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है। अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है कि दिसंबर 2019 में किस संस्था ने नुकसान को कम करने और रोकथाम के लिए एक 10 सदस्यीय कार्य समूह बनाया है। नुकसान को कम करने के लिए माने कि जो वित्तीय क्षेत्र में नुकसान होते हैं, तो ये क्या कहते हैं संस्थान का नाम है IRDAI। IRDAI भी पूरा क्या है इसका पूरा नाम, तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। और अगली न्यूज़ देखते हैं कि 1 दिसंबर 2019 को 7वें भारत श्रीलंका संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2019 का शुभारंभ कहाँ किया गया। तो ये जो है पुणे में हुआ है, और पुणे के जो है ये महाराष्ट्र पुणे में हुआ है, और ये जो है महाराष्ट्र के पुणे के औंध सैंध स्टेशन में हुआ है। और देखिए यहाँ पर ही सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में 1 दिसंबर 2019 को भारत और श्रीलंका के बीच संपन्न मित्र शक्ति जो है वो कौन सा संस्करण है, तो ये 7वां है। या यही पूछा जा सकता है कि मित्र शक्ति जो है आमतौर पर तो यही सवाल पूछा जाता है कि मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है, तो ये जो होता है ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि 13 दिसंबर 2019 को भारत मालदीव संयुक्त आयोग की फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भारत मालदीव संयुक्त आयोग की 6वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। भारत मालदीव संयुक्त आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है ये 1986 में की गई थी। और अगली न्यूज़ देखते हैं कि 13 दिसंबर 2019 को 6वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई। फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अभी जो ऊपर हमने आपको बताया ये भारत और मालदीव संयुक्त आयोग की बैठक थी, और यहाँ पर जिसकी बात हो रही है वो भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बात हो रही है। तो यहाँ पर सवाल है 13 दिसंबर 2019 को 6वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई, तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुई। और यहीं पर एक चीज़ और जानना जरूरी है कि भारत और इंडोनेशिया इस बार अपनी कूटनीतिक संबंधों की 17वीं वर्षगांठ मना रहा है, तो कभी कभी इस प्रश्न में पूछा जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं कि 3 से 5 दिसंबर 2019 के मध्य वार्षिक सूचना सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ, तो ये जो है संपन्न हुआ है गुरुग्राम में, और गुरुग्राम भारत के हरियाणा में है। और आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि भारत में, भारत के गुरुग्राम में किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित संगठन का जो है मुख्यालय बनाया गया है। और इसमें यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि सम्मेलन के दौरान सीबीआई के अधिकारी बीपी राजू को साइबर इंडिया साइबर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, तो यहाँ सवाल ये पूछा जा सकता है कि इंडिया साइबर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये सीबीआई के बीपी राजू को दिया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं कि 13 दिसंबर 2019 को छठा हिंद महासागर संवाद कहाँ संपन्न हुआ, तो छठा हिंद महासागर संवाद जो है ये हुआ है नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। और इस क्या कहते हैं हिंद महासागर संवाद की जो थीम रही है, वो थीम रही है भारत प्रशांत एक विस्तारित भूगोल के माध्यम से हिंद महासागर की फिर से कल्पना करना, तो ये जो है इसकी थीम रही है। और इसी के साथ में और एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 से 14 दिसंबर 2019 के मध्य में 11वीं दिल्ली वार्ता, ठीक है, तो ये दिल्ली संवाद है और ये जो है क्या है वो हिंद संवाद, हिंद महासागर संवाद है, तो 11वीं दिल्ली वार्ता आयोजित हुई है। और क्या कहते हैं कि इसकी जो थीम रही है, इसकी थीम रही है भारत प्रशांत में भागीदारी को बढ़ाना। और अगली न्यूज देखते हैं कि 33वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाने वाला है, तो हालांकि ये अब हो चुका है तो ये मैक्सिको में हुआ है। और देख सकते हैं कि 30 नवंबर से 8 दिसंबर 2019 के बीच में जो है वो क्या कहते हैं कि मैक्सिको के ग्वादलजारा में जो है वो 33वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन हुआ है। और यहाँ पर यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि ग्वादलजारा जो है वो हाल ही में चर्चा में था, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है वो मैक्सिको में स्थित है। और उसके बाद में यहाँ से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, वो तथ्य ये है कि इस मेले का जो है गेस्ट ऑफ ऑनर जो है वो कौन रहा है, तो इस मेले का गेस्ट ऑफ ऑनर देश जो है वो भारत रहा है। और यहाँ पर जो है मेले में जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में इंडिया पवेलियन की थीम महात्मा गांधी का दर्शन लेट अवर लाइफ्स ओपन बुक रहा है। और अगली न्यूज देखते हैं कि 2 से 13 दिसंबर 2019 के मध्य यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जिसको COP24 भी बोलते हैं, तो इसका आयोजन कहां पर हुआ, तो इसका आयोजन जो है वो मैड्रिड में हुआ जो कि स्पेन की राजधानी है। और इससे पहले COP24 का आयोजन जो है वो कार्टोवी जो कि पोलैंड में पड़ता है वहां पर हुआ था, तो यहां पर दोनों चीज़ें जो है वो ध्यान में रखना है। और आपको बता दें कि इसको क्या कहते हैं COP24 या COP25 इसको मनाने के पीछे कारण ये रहा है, दरअसल जलवायु परिवर्तन को लेकर के 2015 में एक समझौता हुआ था जिसको पेरिस समझौता के नाम से जानते हैं। तो यहां पर जो है इस समझौते में एक निष्कर्ष निकाला गया था कि जो अभी तक ग्रीन हाउस गैसें हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं उनकी सघनता को कम किया जाए। तो यहाँ इस क्या कहते हैं UNFCCC इसके द्वारा जो है एक कार्यान्वयन दस्तावेज तैयार हुआ, और इस दस्तावेज पर UNFCCC के दस्तावेज पर जो है 197 देशों ने जो है वो हस्ताक्षर किया है, अपनी मुहर लगाई हुई है। और क्या कहते हैं ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि UNFCCC के दस्तावेज पर अभी तक कितने देशों ने जो है वो क्या कहते हैं हस्ताक्षर किया है, तो 197 देशों ने हस्ताक्षर किया है। और साथ ही में ये दोनों कंटेंट महत्वपूर्ण है कि COP24 का आयोजन पोलैंड के कार्टोविज में हुआ था और COP25 का आयोजन स्पेन के मैड्रिड में हुआ है। और अगला देखते हैं कि राज्यपालों का 50वां सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ, तो ये नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में संपन्न हुआ है 50वां सम्मेलन। और जहां पर देख सकते हैं सम्मेलन में जनजातीय कल्याण और जल कृषि उच्च शिक्षा एवं जीवन की सुगमता पर जोर दिए जाने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा बात कही गई।